बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम। एक्चुअली ये एक सीरीज़ होगी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की, जिसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे क्विक सॉर्ट होता क्या है और उसकी एक दो एग्जांपल्स देखेंगे ऑन पेपर, किस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम के स्यूडो कोड की, और हम फिर उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस परफॉर्म करेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं। क्विक सॉर्ट ये बहुत वाइडली यूज्ड एल्गोरिथम है, और अगर आप कुछ लैंग्वेजेस की यूटिलिटीज़ भी देखेंगे, फॉर एग्जांपल जावा, तो जावा यूज़ करता है अपनी सॉर्टिंग के लिए क्विक सॉर्ट, ड्यूल पिवट क्विक सॉर्ट टू बी प्रिसाइज। अभी हम पिवट की बात करेंगे बाद में आके, लेकिन जावा आज भी क्विक सॉर्ट को यूज़ कर रहा होता है। और हालांकि आप देखेंगे इतना पुराना एल्गोरिथम है ये, 1960s में ये एल्गोरिथम जो है वो तो क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम की थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। ये एल्गोरिथम सबसे पहले इन्वेंट किया था, जो प्रपोज किया था पहला इसका वर्जन, वो 1959 में टोनी हुआरे नाम हुआरे या होरे होरे जो भी मुझे प्रोनाउंसिएशन की सही ना हो तो सॉरी, लेकिन इन्होंने ये सबसे पहले इन्वेंट किया था। और जब ये फर्स्ट टाइम रन किया था तो इसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी आए थे, जिस कंप्यूटर पर आप सोचें 1960s में किस तरह के कितने स्लो कंप्यूटर्स होंगे उस वक्त, इस एल्गोरिथम ने इतनी जल्दी सॉर्टिंग परफॉर्म करके दी थी कि टोनी के मुंह से निकला बेसाख्ता दिस इज़ क्विक। तो इसकी वजह से इसका नाम पड़ गया क्विक सॉर्ट, ठीक है। और ये इस वक्त अगर हम एल्गोरिथम्स की क्लासेस की बात करें तो इतने साल गुजरने के बाद भी, यानी कि 63 साल हो गए इसको, ये फास्टेस्ट एल्गोरिथम माना जाता है तमाम एल्गोरिथम्स में, मर्ज सॉर्ट हो या बकेट सॉर्ट हो, रेडिक्स सॉर्ट हो, शेल सॉर्ट हो, जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हैं उनमें ये सबसे फास्ट माना जाता है। इसका जो कॉम्पिटिटर है वो है मर्ज सॉर्ट, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं मर्ज सॉर्ट को। मर्ज सॉर्ट सॉर्टिंग परफॉर्म कर देता है लॉगरिथमिक टाइम में, ठीक है, और ये भी लॉगरिथमिक टाइम में ही सॉर्टिंग परफॉर्म करता है। लेकिन इवन इन दैट लॉगरिथमिक टाइम क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट से ज़्यादा फास्ट है, ठीक है। तो इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। सबसे पहले इसके कुछ एट्रीब्यूट्स देखते हैं। देखें इसका सबसे बड़ा जो एडवांटेज है मर्ज सॉर्ट के ऊपर वो क्या है, नो एडिशनल मेमोरी कॉस्ट, आपको एडिशनल कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। और ये जो छोटे डाटा सेट्स हैं उन पे बहुत फास्ट काम करता है एज़ कम्पेयर टू मर्ज सॉर्ट, ठीक है। अच्छा, इसको हम प्रेफर कहाँ करेंगे, जब आपके पास डाटा स्टैटिक एरेज की फॉर्म में हो तो क्विक सॉर्ट इज़ दी बेस्ट एल्गोरिथम टू गो टू। हाँ, अगर आप डायनामिक डेटा स्ट्रक्चर्स की बात करें तो फिर उस केस में मर्ज सॉर्ट इस ओ इन रियल लाइफ इससे बेहतर परफॉर्म करता है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ इसकी ये भी है कि
मर्ज सॉर्ट का डिसएडवांटेज ये है कि ये स्टेबल नहीं है। स्टेबिलिटी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन मैं शॉर्टली बता दूं, अगर आपके पास डेटा इस तरह से है ए बी डी ए बी सी डी ए फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो ये डेटा अगर हम सॉर्ट करेंगे तो क्या होगा, ए ए ए बी बी सी डी और डी। अभी ये बेशक सॉर्टेड है, लेकिन आप अगर देखें तो ये ए है पोजीशन 0 पे, 1 2 3 4 5 6 7 ये इंडाइसेस हैं, ठीक है। स्टेबल एल्गोरिथम ये कहता है कि जब मैं सॉर्ट करूँगा डेटा तो जो ए इंडेक्स 0 पे था वो डेटा में भी पहले आया था, पहले आएगा, और जो इंडेक्स 3 पर है वो नेक्स्ट पोजीशन पे आएगा, एंड सो ऑन। ये कहलाती है स्टेबल सॉर्टिंग। क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम इस चीज़ को गारंटी नहीं करता, यानी जो डेटा सॉर्ट होके आया है वो सॉर्ट होगा स्टेबल होगा या सॉर्ट होगा इन द सेम ऑर्डर। मेरे पास ये 10 मेरे पास फर्स्ट रो में इंडाइसेस हैं और सेकंड रो में डेटा है जो मुझे सॉर्ट करना है। अब तीसरी चीज़ मैं क्या लूँगा, पी पिवट। ये पहला पॉइंटर है पिवट के लिए। आप पॉइंटर बोल दें या इंडेक्स बोल दें डिपेंडिंग ऑन स्टैटिक या डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर। उसके बाद एक आई और एक जे, ये दो पॉइंटर्स मैंने मज़ीद ले लिए। अब ये आई और जे क्या है, आई जे देखें प्री रिप्रेजेंट करेगा पिवट वैल्यू को, यानी पूरे टेबल में से कोई भी एक वैल्यू उठा ली मैंने और उसे कह दिया कि भाई ये पिवट है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये पहली पोजीशन पे हो, आप चाहें तो बिल्कुल आखिरी वैल्यू को भी पिवट ले सकते हैं, रैंडमली मिड में भी कोई वैल्यू की कोई भी मिड की वैल्यू आप ले सकते हैं सब पिवट। ये हम बाद में देखेंगे कि क्यों कैसे हम रैंडम वैल्यू लेते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल फॉर सिंप्लिसिटी हम कह रहे हैं कि पहली वैल्यू को ही मैंने पिवट कंसिडर कर दिया। अच्छा, अब हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जैसे हमने पहले बात की कि ये जो पिवट की वैल्यू है 9, इससे छोटी जितनी भी वैल्यूज़ होंगी वो पिविट के लेफ्ट पे, और इससे बड़ी या इसके बराबर जो वैल्यूज़ हैं वो पिविट के राइट पे आ जाए, ठीक है। तो पिविट को हम ऐसी जगह प्लेस करेंगे जो उसकी फाइनल पोजीशन हो और ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा हो। अब ये चीज़ डिटरमिन कैसे करते हैं, उसके लिए ये आई जे इन दो पॉइंटर्स को मैं आइट्रेट करवाऊंगा। अब इस आई का क्या काम है, ये आइट्रेट करेगा लेफ्ट टू राइट, और जे का काम है कि ये आइट्रेट करेगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में।
जिस पोजीशन पे ये दोनों क्रॉस कर जाएंगे उस पोजीशन पे हम पिवट को जे से स्वैप करवा देंगे और वो पिवट की फाइनल अल्टीमेट पोजीशन हो जाएगी। मैं सब अंडू कर दूं। अब आप आ जाएं सबसे पहले आई की तरफ, मुझे आई मूव करना है राइट साइड पे, इंक्रीमेंट करना है, लेकिन उसके लिए मेरी शर्त क्या है, आई की वैल्यू पिवट से छोटी होनी चाहिए। तो मैं इसको हर बार कंपेयर करूँगा। तो ये अभी अब मैं देख रहा हूँ आई इंडेक्स 1 पे है, इसको मैं कंपेयर करवाऊँगा पिवट से। अगर ये वैल्यू छोटी है तो मैं आगे मूव करूँगा, वरना हॉल्ट कर दूँगा। ठीक, लेट्स से लेट्स स्टार्ट। क्या 8 पिवट से छोटा है? यस, 8 इज़ अ स्मॉलर। आई की पोजीशन में प्रोग्रेस कर दूंगा एक स्टेप आगे आ गया आई। अब मैंने 6 को कंपेयर किया पिवट से, यस 6 भी छोटा है। एक स्टेप मैं आई को और आगे लेकर गया, फिर मैंने कंपेयर किया 10 से, क्या 10 पिवट से छोटा है? नो। तो मेरा आई यहाँ पे हॉल्ट हो जाएगा। अभी मैं आई को मूव नहीं करवा सकता, ये फाइनल पोजीशन नहीं है, अभी मैंने पॉज कर दिया एक तरह से आई को। ठीक, तो मैं अंडू करूँ और यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब बारी आती है जे की। अगर मुझे जे को मूव करवाना है टूवर्ड्स लेफ्ट साइड, तो उसकी शर्त क्या है कि जे इंडेक्स पे जो वैल्यू होगी वो पिवट से बड़ी या पिवट के बराबर होनी चाहिए। तो अब मैं कंपेयर करवाता हूँ 9 और 14 को, क्या 14 9 से बड़ा है? जी बड़ा है, जे एक स्टेप पीछे आ गया। अब मैंने 13 से कंपेयर करवाया, 13 भी 9 से बड़ा है, एक स्टेप में और पीछे आ गया। अब 2 से कंपेयर किया, 2 9 से बड़ा है? नहीं। तो मेरी जे की पोजीशन 2 पे आके इस इंडेक्स 7 पे आके हॉल्ट हो जाएगी। ठीक है, यानी ये पॉज हो जाएगा। अभी ये अगेन जे की फाइनल वैल्यू नहीं है, ये यहाँ पे आई और जे दोनों पॉज हो गए। अब जब ये सूरत आ जाए कि आपके पास आई भी स्टॉप्ड है, आगे नहीं बढ़ रहा, और जे भी ऐसी पोजीशन पे है कि वो हॉल्ट हो गया है, स्टॉप हो गया है, वो भी प्रोग्रेस नहीं कर रहा, तो इस पॉइंट पे हम सबसे पहले ये चेक करेंगे क्या आई ने जे को क्रॉस कर लिया है, क्या आई जे से भी बढ़ गया है आगे, आई की वैल्यू जे से बड़ी हो गई है या नहीं। अगर नहीं हुआ है ऐसा, तो फिर हम आई और जे की जो वैल्यूज़ हैं इन दोनों को आपस में स्वैप करवा देंगे, आई और जे। ये चीज़ याद रखें कि स्वैप दो तरह का इसमें आएगा। अभी हम 10 और 2 को आपस में स्वैप करवाएंगे। ठीक, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट स्टेप है, बिकॉज हमें आई को क्रॉस करवाना है। ठीक है, आई को जे से आगे लेके आना है या जे को आई से पीछे लेके आना है। अब ये तब तक नहीं होगा जब तक आई ऐसी जगह पे है कि पिवट से वो वैल्यू छोटी ना हो और जे की वैल्यू पिवट के बराबर या उससे बड़ी ना हो जाए। ठीक, अब इन दोनों को स्वैप करवा लेते हैं। 10 और 2 को रिमूव किया, राइट कलर, 2 और 10। ठीक है, अब मेरे पास दोबारा ऐसी सिचुएशन आ गई है कि मैं आई को आगे बढ़ा सकता हूँ और जे को भी दोबारा पीछे ला सकता हूँ। अब देखें क्या आई आगे जा सकता है, क्या 2 की वैल्यू पिवट से छोटी है? यस, हम आई को आगे बढ़ाएंगे। अब फिर 1 पे आ जाएंगे, क्या 1 पिवट से छोटा है? एक स्टेप और आगे, क्या 6 पिवट से छोटा है? यस, एक स्टेप हम और आगे बढ़ा देंगे आई को।
क्या 15 पिवट से छोटा है? नो, आई इस पोजीशन पे आके दोबारा हॉल्ट हो जाएगा। ये सब मैं अंडू करता हूँ और आई को मूव कर दिया मैंने विद रिस्पेक्ट टू इंडेक्स, इंडेक्स एक्स पे जहाँ पे आई दोबारा पॉज हो चुका है। अब अगला से स्टेप क्या है? जे जे को मूव करने के लिए मैं कंपेयर करूँगा पिवट से, क्या 10 पिवट से बड़ा है 9 से? यस, जे स्टेप, जे एक स्टेप पीछे आ गया। ये मैं मूव कर दूँ, एक एक कन्फ्यूजन पैदा होने से पहले दूर कर दूँ। आई और जे दोनों यहाँ खड़े, आई आई हॉल्टेड है, लेकिन जे को मज़ीद चेक करना है, क्या 15 पिवट से बड़ा है? जी ओके, इसका मतलब है कि जे एक स्टेप और पीछे आएगा, तो जे को हम इंडेक्स 5 पे मूव कर देते हैं जहाँ वैल्यू है 6। अब हम दोबारा कंपेयर करते हैं, क्या 6 जो जे की करंट वैल्यू है, क्या ये पिवट से बड़ी है? नहीं, तो जे भी हॉल्ट हो गया, आई भी हॉल्ट हो गया, ये दोनों स्टॉप हो गए। अब यहाँ मैंने क्या करना है? अब मैं फिर चेक करूँ क्या आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर दिया। यस, आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है। आई और जे ने जब एक दूसरे को क्रॉस कर लिया, तो अब मैं इस पिवट को जे से स्वैप करवाऊंगा और ये पिवट की फाइनल पोजीशन होगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, जे और पिवट को हम स्वैप करवाते हैं, आई को कभी भी स्वैप नहीं करवाएंगे पिवट से, ठीक है? नाउ लेट्स डू दैट। पिवट 9 और 6 मैं स्वैप करवाऊंगा, 6 कलर चूज कर लेते हैं और इसको मैं कोई और कलर दे देता हूँ, लेट्स से ब्लू, ताकि हमें पता हो। ये अब ये जो 9 है, ये 9 अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गया है। अच्छा, 6 मुझे अभी गोल्डन में ही चाहिए, सिर्फ 9 मेरे पास सही जगह पहुंचा है। अब आप देखें, 9 जिस पोजीशन पे है, इसके लेफ्ट पे जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी 6 8 6 2 1, ये तमाम 9 से छोटी हैं, और राइट पे जितनी भी है वो ग्रेटर और इक्वल टू 9 है, अभी तो ग्रेटर है। तो 9 अपने अल्टीमेट जो फाइनल पोजीशन है उसके ऊपर आ चुका है। इस पॉइंट पे हम कहेंगे कि वी हैव कंप्लीटेड व्हाट, फर्स्ट पास, वन पास कंप्लीटेड, ठीक है? एक पास हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद क्या होगा? इस टेबल को स्प्लिट करेंगे। अब स्प्लिट कैसे होगा? 9 के लेफ्ट पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये एक अलग सब एरे में, और राइट पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये एक अलग सब एरे में स्प्लिट हो जाएंगी। और एंड यू कैन नाउ गेस कि फिर हम रिकर्सिवली इन दोनों को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट पास में। तो लेट्स सी, मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लूँ। ये मेरा 9 अपनी डिजायर्ड पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब मेरे पास जो 9 के लेफ्ट साइड पे जितने भी एलिमेंट्स हैं, मैं अलग स्टाइल दे दूँ एक,
अच्छा, नाइन इज डन। इसके लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं ये एक अलग इंडिपेंडेंट सब एरे कंसिडर होगा, ठीक है, ये एक अलग डेटा सेट होगा। और राइट साइड को हम कहेंगे एक अलग ही डेटा सेट है, क्योंकि ये मर्ज सॉर्ट की तरह हम रिकर्सिवली पार्टीशनिंग करेंगे। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे एक पिविट इंक्लूड हो रहा है, जो जिसका काम बाद में हमें समझ में आएगा। अच्छा, तो इसी वजह से हम लोग इसके इंडाइसेस भी अलग रखेंगे, पिविट्स भी अलग रखेंगे और पॉइंटर्स भी अलग रखेंगे, आई और जे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब इनको बिल्कुल इंडिपेंडेंटली हमें सॉल्व करना है। तो इंडेक्स हमने अलग दे दिया 0, 1, 2, 3, और उसके साथ ही पिवट आई और जे पॉइंटर्स ये भी अलग डिफाइन हो गए, बिकॉज दीज आर नाउ टू सेपरेट प्रॉब्लम्स टू सॉल्व। और यही एग्जैक्टली डिवाइड वाला पार्ट है, डिवाइड स्ट्रेटजी यही है कि जब हम स्प्लिट कर रहे हैं मेन एरे को। अब जो प्रोसेस हमने फर्स्ट पास में पूरे डेटा सेट पे किया था, वही हम इन दोनों सब सेट्स पे अलग अलग करेंगे, सब एरेज पे। फिर हम दोबारा देखेंगे कि क्या आई पिवट से छोटा है, नहीं है तो आई यहीं पे पॉज रहेगा। अब हम आ जाते हैं जे की तरफ, क्या जे की वैल्यू 1 पिवट से बड़ी है, नहीं, क्योंकि जे की वैल्यू तो हम कहेंगे ना कि भाई इसकी बड़ी होनी चाहिए वैल्यू पीछे लाने के लिए, तो इसका मतलब जे भी यहाँ पे हॉल्टेड है। ये दोनों आई और जे दोनों इसी पोजीशन पे रुके हुए हैं, ठीक है। इन दोनों को हम स्वैप करवा लेते हैं जैसे हमने पहले किया था। तो अब यहाँ पे 1 आई की पोजीशन पे और 8 चला गया जे की पोजीशन पे। नाउ लेट्स सी वैल्यू स्वैप होने के बाद दोबारा क्या, अच्छा आई और जे ने क्रॉस नहीं किया एक दूसरे को, ठीक है। तो दोबारा हम रन करते हैं, आई को रिज्यूम करेंगे, क्या आई 1, आई की जो करंट वैल्यू 1 6 से छोटी है पिवट से, यस, एक स्टेज आगे लेके गए, क्या आई की वैल्यू पिवट से छोटी है, पिवट के बराबर है, छोटी नहीं है, आई हॉल्ट हो जाएगा यहीं पे, ठीक है। चलिए मूव कर देते हैं आईड को, आई स्टॉप हो गया। अब जे पे आते हैं, जे की वैल्यू 8 पिवट से बड़ा है, बड़ी है, यस, जे को हमने एक स्टेप टुवर्ड्स लेफ्ट मूव किया, क्या 2 पिवट से बड़ा है, नो, इसका मतलब है जे यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। अगेन दोनों दोनों ने एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, इसका मतलब है हम वैल्यूज को स्वैप करवाएंगे। ठीक है, मैं ये यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, ठीक है, ओके। नाउ लेट्स ट्राई टू मूव अगेन, क्या आई की करंट वैल्यू पिवट से छोटी है, आई को हम आगे बढ़ा सकते हैं। फिर आई हमारा थर्ड इंडेक्स पे आ गया, विद रेड कलर, ठीक है। क्या अब छोटी है आई की वैल्यू, जैसे नहीं, आई स्टॉप हो गया, आई स्टॉप यहीं पे हो गया, ठीक है। अब जे की तरफ आते हैं, क्या जे की वैल्यू पिवट से छोटी है, पिवट के बराबर है, हाँ, क्योंकि इक्वल है, इसलिए मैंने एक स्टेप जे को मजीद
शिफ्ट किया लेफ्ट की तरफ। अब यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे टू है, क्या टू पिविट से बड़ा या इसके बराबर है? नो no. इसका मतलब है जे भी यहीं पे स्टॉप हो जाएगा और अब आई और जे दोबारा स्टॉप हो चुके हैं। जी और आई दोनों इंडेक्स टू और टी थ्री पे स्टॉप हो गए। अब आई और जे ने एक दूसरे को क्रॉस कर लिया है, इसका क्या मतलब है कि अब पिवट को जे से स्वैप करवाएंगे, टू आ जाएगा अब इंडेक्स जीरो पे, सिक्स आ जाएगा इंडेक्स टू पे, तो हम करवा लेते हैं। और ये मैं लेफ्ट साइड की बात करूं, लेफ्ट साइड का सेकेंड पास कंप्लीट हो गया, लेफ्ट से सब एरे का, जैसे मैं ये स्वैप कंप्लीट करूंगा तो ठीक। ये सब मैंने रिमूव किया, पिवट आई जे, और अब मैं क्योंकि अब ये सिक्स अपनी फाइनल पोजीशन पे आ चुका है तो इसको मैंने ब्लू से डिनोट कर लिया। ठीक, लेफ्ट साइड हमारी रिजॉल्व हो गई, इसका सेकंड पास कंप्लीट हो गया। ठीक, वाइट से करते हैं इसको, सेकंड पास कंप्लीट लेफ्ट के लिए, राइट अभी पेंडिंग है। राइट साइड पे चलते हैं, राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे हम आ गए, आई हमें मूव कर रहा है टुवर्ड्स राइट। अब यहाँ देखें, यहाँ ज्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि एक छोटा सा यहाँ पे एक एडिशन होगा हमारे प्रोसेस में। ठीक है, क्या आई पिवट से छोटा है? नो, सॉरी पिवट से छोटा है, यस वी विल गो अहेड। ठीक है, नेक्स्ट पोजीशन पे 13, क्या पिवट से छोटा है? यस, एक स्टेप और हम आगे चले गए, 14 पे आ गए, क्या आई पिवट से छोटा है? यस, बट देयर इज नोवेयर टू गो। अब क्या करें, अब यहाँ पे जब अब ये याद रखें आई और जे को हमें हर हालत में क्रॉस करवाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एल्गोरिथम हमारा तब हॉल्ट हो, तब स्टॉप हो जब आई और जे क्रॉस कर जाएं दूसरे को, वरना हम स्वैप नहीं करवा सकते वैल्यूज को। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आके हम क्या करेंगे, हम एक एलिमेंट का इजाफा करेंगे अपने राइट सब एरे में और उसकी वैल्यू क्या होगी, इंडेक्स 4 पर मैं इंसर्ट क्या करूंगा, इंफिनिटी। अब जाहिर है कि कोई भी पिवट की कोई भी वैल्यू हो इंफिनिटी से बड़ी नहीं हो सकती ना, डेटा में इंफिनाइट से बड़ी वैल्यू नहीं होगी। तो इसका फायदा क्या हुआ मुझे, अब मैं आई को आगे मूव करवा सकता हूं। अब आप देखें क्या इंफिनिटी पिवट से छोटा है? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता, तो आई मेरा एक स्टेप आगे जाके हॉल्ट हो जाएगा। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि आई और जे एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। ठीक है, मैं जे को चाहूं भी अब चलाना मूव करवाना तो नहीं करवा सकता क्योंकि जे की वैल्यू अब पिवट से छोटी है, उसके बराबर हो पिवट से छोटी है। तो आप देख लें दोनों हॉल्ट हो गए हैं आई और जी, और दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर चुके हैं। इसका मतलब क्या है, पिवट की वैल्यू जे की पोजीशन के साथ स्वैप हो जाएगी, जे की वैल्यू के साथ। तो लेट्स डू दिस,
15 मेरा फाइनल पोजीशन पे आ चुका और 14 इंडेक्स 0 पे आ गया जहां पे पहले पिवट था। ठीक, अब इसका क्या मतलब है? कि सेकंड पास मेरा जब कंप्लीट हुआ तो पूरे दोनों पार्टीशंस के लिए लेफ्ट और राइट, तो दो एलिमेंट्स मजीद अपनी फाइनल पोजीशन पे आ गए। फर्स्ट पास में 9 था सिंगल, सेकंड पास में दो एलिमेंट्स अपनी जगह पे आ गए। नाउ यू कैन गेस क्या जब आप थर्ड पास की तरफ जाएंगे, थर्ड पास कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा? लेफ्ट साइड फिर मजीद दो टुकड़ों में स्प्लिट होगी और राइट साइड भी आइडियली दो पार्टीशंस, लेकिन अभी हमारे पास सिचुएशन ऐसी कि राइट लेफ्ट पार्टीशन तो होगा तीन एलिमेंट्स के साथ, लेकिन राइट में कुछ भी नहीं होगा बिकॉज इन्फिनिटी को हम रिमूव कर देंगे अपने डेटा से। ये डेटा का पार्ट था नहीं, ये तो सिर्फ हमने आई को मूव करवाने के लिए ऐड किया था, अदरवाइज इसका हमें काम नहीं है। तो राइट साइड पे राइट सब एरे के मजीद राइट साइड पे कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो द होल डेटा विल बी ऑन द लेफ्ट साइड। तो मैं देखता हूँ कि फर्स्ट पास में एक और सेकंड पास में दो पिवट्स और थर्ड पास में दो पिवट्स लेफ्ट और एक पिवट राइट। अगर इसके राइट पे मजीद कोई और एलिमेंट्स होते तो फिर हम कहते चार एलिमेंट्स सॉर्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है ये अगेन इंक्रीजिंग ऑर्डर में हर पास के बाद डबल हो रहे हैं नंबर ऑफ सॉर्टेड एलिमेंट्स, विच मीन्स टू की पावर समथिंग, टू की पावर नंबर ऑफ पासेस। ये जहन में रखना है, ये पॉइंट डेटा एनालिसिस के दौरान हम लोग रिवाइज करेंगे, रिकॉल करेंगे। ठीक है, ये मैंने रिमूव कर दिया। क्योंकि तीनों अब अलग अलग एरेज हैं, राइट? तो अब हम देखेंगे इसका पिवट आई और जे। पिवट आई जे, व्हाट्सएप, अच्छा यार, पिवट आई जे, पिवट आई जे, पिवट आई जे, ठीक है। डेटा क्या बचा मेरा? 2168 ठीक है। फिर अब जब हम इसको सॉल्व करने आएंगे ना, अब ये देखें, इस फर्स्ट सब एरे को देखिए, सिर्फ आई और जे एक ही एलिमेंट में दोनों स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है। और सीधी बात है कि जब मैं आई को कंपेयर करवाऊंगा पिवट से तो आई छोटा है, मुझे आई को आगे बढ़ाना है। आगे बढ़ाने के लिए मुझे एक इन्फिनिटी ऐड करना पड़ेगा। जैसे मैं इन्फिनिटी ऐड करूंगा, आई इधर आ जाएगा, जे इधर आ जाएगा, दोनों क्रॉस कर जाएंगे। तो इसी तरह हम पिवट की नई वैल्यू यहाँ पे सेट कर देंगे और ड्रॉप कर देंगे इन्फिनिटी। फिर मेरे पास एक ही एलिमेंट रह जाएगा, और अगर एक ही एलिमेंट रह गया
तो वो सेम वो सिंगल एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे, सिमिलरली आप इसे सॉल्व करेंगे थर्ड पास के अंदर। आप याद रखिएगा, जब थर्ड पास कंप्लीट होगा तो आपके पास यहाँ से दोनों वैल्यूज़ और यहाँ से दोनों वैल्यूज़ ये अपनी पोजीशन पे, अल्टीमेट लास्ट पोजीशन पे आ जाएंगी। ठीक है, उसके बाद इस पे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पे भी 14 अपनी अल्टीमेट पोजीशन पे, फाइनल पोजीशन पे आ जाएगा। और टोटल मेरे पास 1 2 3 4 5 एलिमेंट्स मजीद सॉर्ट हो जाएंगे। एक इसके बाद और पास होगा, थर्ड पास के बाद फोर्थ पास होगा, जिसमें पूरा एरे हमारे पास सॉर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो एरे सॉर्ट हो जाएगा कैसे, मैंने कहा, सवाल ये है। अभी हमने ये देखा है कि हम स्प्लिट किस तरह से कर रहे हैं, एक ही एरे को जब हम पार्टीशन में ब्रेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ तो हमने देख ली, लेकिन ये कहाँ से पता चल रहा है हमें कि भाई ये एरे सॉर्ट हो गया है। ठीक है, यहां में देखना पड़ेगा कि हुआ क्या, हमारे डेटा के साथ क्या हुआ। अब हम बात करेंगे ब्लू ब्लू एलिमेंट्स की। सबसे पहले मेरे पास 9 आया था, ठीक, 9, फिर 6 और 15, फिर 15। ये तीन फर्स्ट पास में 9, सेकंड पास में 15 और 6, 6 और 15, थर्ड पास में 1 2 6 8 14, 1 2 6 8 14। ठीक है, और फोर्थ पास में मेरे पास 10 और 13 आएंगे, फोर्थ पास में 10 और 13 अपनी जगह पे फाइनल पोजीशन पे आएंगे। तो ये मैं किस तरह से कह रहा हूँ कि मेरा डेटा सॉर्ट हो गया, ये मैंने कैसे कह दिया कि डेटा मेरा अब सॉर्ट हो गया, सॉर्ट सॉर्ट सॉर्टेड ऑर्डर में आएगा। तो ये याद रखिएगा, ये रिकर्जन जब सॉल्व होती है, जब ये रिकर्सिव रिजल्ट्स रिटर्न होते हैं, तो जिस ऑर्डर में रिटर्न होते हैं ना, वो एक्चुअली कंस्ट्रक्ट करते हैं बाइनरी सर्च ट्री। ठीक है, बाइनरी सर्च ट्री, अगर आपको आप रिकॉल करें डेटा स्ट्रक्चर्स में आपने ये टॉपिक पढ़ा था, वो ट्री होता है जिसमें ऑल स्मॉल वैल्यूज ऑन लेफ्ट सब ट्री ऑल ग्रेटर और इक्वल वैल्यूज ऑन राइट सब ट्री। तो ये बाइनरी सर्च ट्री किस तरह से बनेगा? सबसे पहले जो फर्स्ट पास कंप्लीट हुआ ना, 9 इस बाइनरी सर्च ट्री का आप बना देंगे रूट नोड। ठीक है, सेकंड पास कंप्लीट हुआ, सेकंड पास में आपके पास आ गया 6। जब 6 रिटर्न होगा तो 9 से छोटा है ना, 6 कम्स ओवर हियर, फिर 15 आ जाएगा, 15 9 से बड़ी वैल्यू है, यहाँ आ जाएंगे, फिर आ गया 1। 1 स्टोर करवाने के लिए क्या, 1 9 से छोटा है, इधर आए,
सिक्स, वन सिक्स से भी छोटा है, यहाँ पे आए वन इधर इंसर्ट करवा दिया, फिर टू की बारी आई, ठीक है टू कहाँ पे आएगा, टू नाइन से छोटा है सिक्स पे आए, टू सिक्स से भी छोटा है वन पे आए, लेकिन वन ऑलरेडी आप देखें वन से टू बड़ा है तो टू इंसर्ट हो जाएगा वन के राइट साइड पे। इसी तरह फिर हम सिक्स पे आएंगे, सिक्स इंसर्ट हो जाएगा पिछले सिक्स के राइट साइड पे, बिकॉज इक्वल वैल्यू है। फिर हम एट की बात करेंगे, एट भी हम दोबारा आएंगे, सिक्स से ग्रेटर वैल्यू है, एट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा, फोर्टीन पे आ गए, फोर्टीन कहाँ जाएगा, नाइन से बड़ा है ना, तो इधर आएंगे फिफ्टीन, लेकिन फिफ्टीन से छोटा है तो फोर्टीन कम्स ओवर हेयर। फिर हम बोलेंगे टेन, टेन नाइन से बड़ा है, फिफ्टीन से छोटा है, फोर्टीन से भी छोटा है, तो फोर्टीन के भी लेफ्ट साइड पे आएगा। ये मैंने थोड़ा साइज इसका मुझे सही अंदाज से लेना चाहिए था। लेट्स डू दैट अगेन, नाइन नाइन के लेफ्ट चाइल्ड सिक्स, नाइन का राइट चाइल्ड फिफ्टीन, फिर सिक्स का लेफ्ट चाइल्ड वन, ये हो गया, ये हो गया, और वन का राइट चाइल्ड टू, फिर सिक्स का राइट चाइल्ड सिक्स, इस सिक्स का राइट चाइल्ड एट, फिफ्टीन का लेफ्ट चाइल्ड फोर्टीन, फोर्टीन का लेफ्ट चाइल्ड टेन, और टेन का राइट चाइल्ड थर्टीन। और इस तरह से मेरे पास एक बाइनरी सर्च ट्री बन जाएगा। अब आपको पता है कि बाइनरी सर्च ट्री से अगर मैं डाटा रिट्रीव करूंगा तो यूज करूंगा डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लोगों ने पढ़े थे, तो वही देखें आप यहाँ रिकॉल हो रहे हैं। इसी ट्री को मैं डेप्थ फर्स्ट सर्च से जब ट्रेवर्स करूंगा तो मेरे पास सॉर्टेड, मुझे सॉर्टेड एरे मिल जाएगा अपना। लेट्स सी डेप्थ फर्स्ट सर्च क्या कहता है। सबसे पहले आप डेप्थ पे चले जाओ, ठीक है, नाइन पे आए, क्या नाइन की कोई चिल्ड्रन है, नाइन के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, हाँ है, सिक्स पे आ गए, क्या सिक्स के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, हाँ है, वन पे आ गए, वन के लेफ्ट में कोई चाइल्ड है, नहीं है, तो वन इट्सेल्फ एक पेरेंट है। आपको पता है कि अगर वन के लेफ्ट में कोई नहीं है तो वन हम प्रिंट करवा देंगे, वन प्रिंट करवा लिया। अब इसके राइट राइट साइड पे है, वन के राइट साइड पे चाइल्ड है, हाँ है, वन का राइट चाइल्ड है टू, टू पे आए, टू के लेफ्ट कोई चाइल्ड है, नहीं है, टू प्रिंट हो गया, टू का राइट कोई चाइल्ड है, नहीं है, टर्न बैक, ये रिजॉल्व हो गया हमारे पास। सिक्स का के लेफ्ट पे जो सब ट्री है वो रिजॉल्व हो गया, अब सिक्स प्रिंट हो जाएगा, हम आएंगे सिक्स के राइट साइड पे। सिक्स के राइट साइड पे नोड है, लेकिन इसका पहले हम देखेंगे लेफ्ट पे कोई है, नहीं है, तो ये वाला सिक्स प्रिंट हो जाएगा। अब सिक्स के राइट पे आएंगे, एट, एट के लेफ्ट पे कुछ है, नहीं है, एट प्रिंट हो जाएगा, एट के राइट पे कुछ है, नहीं है, टर्न बैक, ये भी रिजॉल्व हो गया, गो बैक, नाइन के लेफ्ट पे जो कुछ भी था हमने रिजॉल्व कर दिया, ठीक है, अब नाइन प्रिंट हो जाएगा। फिर नाइन के राइट पे हम जाएंगे, फिफ्टीन प्रिंट अभी नहीं होगा, फिफ्टीन का पहले देखेंगे लेफ्ट पे कुछ है, फोर्टीन है,
14 पे गए, 14 के लेफ्ट पे कुछ है? यस 10 है, 10 पे आ गए। 10 की कोई का लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है, 10 प्रिंट हो गया। फिर 10 के राइट चाइल्ड, राइट साइड पे जाएंगे 13, 13 का कोई लेफ्ट चाइल्ड है? नहीं है, 13 प्रिंट हो गया। 13 का कोई राइट चाइल्ड है? नहीं है, गो बैक। 10 रिजॉल्व हो गया, गो बैक। 14 का लेफ्ट चाइल्ड रिजॉल्व हो गया, 14 प्रिंट हो गया। 14 के राइट पे कुछ है? नहीं है, गो बैक। 15, 15 के राइट पे कुछ है? नहीं है, गो बैक। पूरा ट्री आपका इस तरह से डेप्थ ऑफ फर्स्ट सर्च से रिजॉल्व हो गया, एंड दिस इज योर सॉर्टेड डेटा। तो बजाय देखने में ये बहुत लेंथी प्रोसेस लग रहा होगा, कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेकिन आप देखें कि मर्ज सॉर्ट से अगर हम कंपेयर करवाएं तो मर्ज सॉर्ट में सबसे पहले हम स्प्लिट कर देते, स्प्लिट कर देते, फिर मर्ज करते थे, रिकर्सिवली स्प्लिट करते थे, रिकर्सिवली मर्ज करते थे। तो उसमें एक्चुअली एन लॉग एन नहीं, हमारा जो टाइम लग रहा था ना, एन लॉग एन, ये तो चलो अपर बाउंड है ना, लेकिन एक्चुअली दिस वॉज रनिंग ट्वाइस, ठीक है। लेकिन क्विक सॉर्ट में अच्छी बात यह है कि डेटा सिर्फ स्प्लिट करना होता है आपको, मर्ज करने के लिए कोई एडिशनल कंपैरिजन नहीं है। मर्ज करने, मर्ज का जो स्टेप है, यानी कि जो जितने भी आपके सब एरेज बने हैं एक एक एलिमेंट के, ये कोई कंपेयर करवा के आप उसको मर्ज नहीं करवा रहे होंगे किसी एरे में, दे आर ऑलरेडी इन सॉर्टेड ऑर्डर। तो वो लॉजिकली, ये याद रखिए, बाइनरी सर्च ट्री कोई ऐसा नहीं कि हम कोई डेटा स्ट्रक्चर देंगे एल्गोरिदम में, नहीं, ये लॉजिकली बाइनरी सर्च ट्री बना के आपको रिटर्न करता है। तो इट द वे द रिकर्शन सॉल्व्स इज कि जब आपके पास वैल्यू रिटर्न होती है, एज इफ यू हैव क्रिएटेड अ बाइनरी सर्च ट्री एंड ट्रेवर्स्ड इट यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च, ठीक है। तो ये मत समझ लीजिएगा कि हम एल्गोरिथम इम्प्लीमेंट करते हुए भाई हमें तो एक बाइनरी सर्च ट्री लेना है, एक तो ट्री डेटा स्ट्रक्चर लेना है, उसके अंदर वैल्यूज इंसर्ट करवानी, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं करना। क्विक सॉर्ट जब रिकर्सिवली रिटर्न करता है ना रिजल्ट्स, तो उसकी मिसाल समझाने के लिए ये हमने बनाया बाइनरी सर्च ट्री कि किस तरह से किस ऑर्डर में वो रिजल्ट रिटर्न होंगे। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज इससे क्लियर हो गया होगा क्विक सॉर्ट किस तरह से ऑपरेट करता है। आप एक अपना कोई और एग्जांपल लेके, सॉरी मेरी बैटरी का बार बार, एक अपनी एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा। आप अपना नेशनल, बल्कि नेशनल आईडी छोड़े, सेल नंबर इनपुट लें, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जो भी है कंट्री कोड के साथ, ठीक है, तो 9 2 3 4 5 2 3 4 5 9 7 1 जो भी है, ठीक है, ये मेरा बहनी नंबर, इसको आप क्विक सॉर्ट से, क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम से सॉर्ट करके देखें, ठीक है। तो जितने भी पास रन हो वो कंप्लीट करें, उसके बाद एक बाइनरी सर्च ट्री की फॉर्म में उसको लेके आए, जितने भी पिवट एलिमेंट्स हैं वो लिखें और वो ट्री सॉल्व करें, ट्रेवर्स करें यूजिंग डेप्थ फर्स्ट सर्च। अब हम आगे चलेंगे और देखेंगे क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम। तो एल्गोरिथम हम कुछ यूं डिजाइन करेंगे, एक साइड में बनाऊंगा कि डेटा किस तरह से सॉर्ट हो रहा होता है क्विक सॉर्ट में, और दूसरी तरह उसका साथ हम एल्गोरिथम भी लिखते रहेंगे ताकि हम दोनों चीज़ों को कनेक्ट कर सकें। चलिए, अगर मेरे पास डेटा है 9 8 6 10 15 7 11 फॉर एग्जांपल,
ठीक है। अच्छा लेट्स अज्यूम ये हमारे पास डेटा है और हम साथ ही इसको पिवट आई और जे एग्जांपल लेके चलेंगे इसी की और साथ साथ एल्गोरिथम डेवलप करेंगे। लेकिन अगर ये डेटा मुझे सॉर्ट करवाना है तो मेरे पास जो सीडो कोड है उसका मैंने फंक्शन का एक नाम लिख दिया क्विक सॉर्ट, ये इनपुट क्या लेगा? मैं कह देता हूँ एक एरे लीनियर स्टैटिक एरे ए इनपुट ले रहा है, ठीक है। इसके अलावा अगर मुझे कोई चीज़ इनपुट में चाहिए हो तो ए का साइज, एरे का साइज मैं ले लेता हूँ एन, क्योंकि यही एन में यूज़ कर सकता हूँ नीचे भी, लेकिन लेट्स जस्ट से कि हमने इसको एज अ पैरामीटर एक्सेप्ट किया, ठीक है। अच्छा सबसे पहला काम हमें क्या करना है, देखें बेस केस हमारे पास पहले से आइडेंटिफाइड है। अगर ये पूरा एरे जिसमें 7 एलिमेंट्स हैं, इसकी जगह हम एक ऐसा एरे लेते हैं जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट था 9, तो क्या होगा? यही एलिमेंट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा बेस केस है। तो मैं एल्गोरिथम में लाइन नंबर 1 लिखूंगा, इफ एन इज इक्वल्स टू 1 देन, मैं बार बार एल्गोरिथम कह रहा हूँ, एक्चुअली ये सीडो कोड है, ठीक है। ए स्टेटमेंट ए इसकी होगी रिटर्न ए, ये तो बेस केस हो गया। अब हम आ जाते हैं जब n की वैल्यू एक से ज़्यादा हो, एक से बड़ी हो, यानी आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं एरे में, फिर उस सूरत में हम क्या करते हैं? देखिए जब हमने ये सिमुलेट किया था क्विक सॉर्ट, तो सबसे पहला काम हमने क्या किया था? पिवट, पिवट एलिमेंट, उसके अलावा i और j दो हमारे पास पॉइंटर्स थे, आइटरेटर्स कह सकते हैं, हमने ये इनिशियलाइज करा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पिवट सेट करूँगा, मैं कहूँगा सेट पिवट को मैं p कह देता हूँ, p इज इक्वल्स टू, अब हमने पहले बात की थी हम कोई सा भी एलिमेंट पिवट के तौर पे ले सकते हैं, पहला समथिंग इन द मिडल बिल्कुल लास्ट एलिमेंट, लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट की, ठीक है। बाद में हम देखेंगे कि क्यों हम पिवट हमें चेंज करना चाहिए, लेकिन लेट्स अज्यूम के हमारा जो सीडो कोड है वो फर्स्ट एलिमेंट को एज अ पिवट कंसिडर करता है। पिवट हो गया हमारे पास, इसके बाद बारी आई आई की, हमें एक वेरिएबल चाहिए आई, और इसकी इनिशियल वैल्यू क्या है, क्या होगी? ये देखें आई इज एक्चुअली एन इंडेक्स, ये इंडेक्स 0 पे है, ये इंडेक्स 1 पे है, ये इंडेक्स 2 पे है, ऑल द वे ये इंडेक्स एन माइनस 1 पे है। तो आई मेरे पास क्या होगा? इंडेक्स 0 ऑलरेडी पिवट है, आई मेरे पास हो जाएगा 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप सेट जे इज इक्वल्स टू एन माइनस 1, इसी तरह। अच्छा इसके बाद एक स्टेप हम अब स्यूडो कोड में ऐड करेंगे, वो क्या? हमने देखा था एल्गोरिथम जब हम रन कर रहे थे उस वक्त के बीच में एक सिचुएशन ऐसी आती है कि आई स्टक हो जाता, हॉल्ट हो जाता, आगे बढ़ नहीं पाता, तो उसके लिए हम एरे के अंदर एक और एलिमेंट इंसर्ट करते हैं इन्फिनिटी। यहाँ पर हम अपने स्यूडो कोड में ये कहेंगे कि भाई इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो जाए, आपने एक इन्फिनिटी इंसर्ट कर देना है इस एरे के अंदर, ठीक है। बिकॉज हमें नहीं पता, बाद में जाके हम डिसाइड करें इफ एल्स लगा के, उससे तो बेहतर ये कि हम एक इन्फिनिटी ऐड कर दें, पहले से ही ऐड कर दें। अच्छा ये जो इंसर्ट मैंने लिखा है यहाँ, इससे मुराद ये है कि अगर ये स्टैटिक एरे है तो क्या होगा,
एरे का साइज एन है, एन में एक का इजाफा होगा, उसके बाद एंथ पोजीशन पे ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये सब हम लोग पहले से अज्यूम कर रहे हैं कि इंसर्ट का ऑपरेशन ये सारे काम कर लेगा, क्योंकि अभी हमारा ऑब्जेक्टिव ये देखना नहीं है कि इंसर्ट का फंक्शन कैसे इंप्लीमेंट होगा। लेट्स से इंसर्ट एक ऐसा फंक्शन है जो एरे के अंदर इस इन्फिनिटी वैल्यू को इंसर्ट कर देगा लास्ट पोजीशन पे, मतलब एक पोजीशन ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ तक मेरा एल्गोरिथम क्या कह रहा है, मैंने पिवट सेट करवा लिया, आई सेट करवा लिया, जे सेट करवा लिया। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेज मेरी है आई को फॉरवर्ड यानी लेफ्ट से राइट, और जे को बैकवर्ड यानी राइट टू लेफ्ट मुझे आइट्रेट करवाना है, इन्हें रन करना है। तो इस स्यूडो कोड में मैं मज़ीद क्या लाइंस ऐड करूँगा, मैं नीचे आता हूँ लाइन नंबर 6। अच्छा, ये मुझे नीचे कॉपी करना पड़ेगा आई थिंक। और अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 6 की। स्टेप नंबर 6 क्या है, मुझे रन करवाना है आई को, लेकिन ये मैं किस सूरत में करवाऊंगा, जब तक आई की वैल्यू पी से छोटी है, आई की वैल्यू जब तक पी से छोटी है मैं इसको आगे मूव करवा सकता हूँ, यानी आई में इंक्रीमेंट कर सकता हूँ। तो मैं ये यहाँ कहता हूँ इफ ए आई इज लेस देन पी देन आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। इसी तरह मेरे पास स्टेप 7 है, इफ देखिए ये आई जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक मुझे ये मैंने इफ क्यों लिखा है, ये वाई है, वाइल है एक्चुअली, लूप है वाई। मैं इसको दोबारा से करता हूँ और यहाँ मैं एक काम और करूँगा, अभी मैं एक लाइन यहाँ पे एम्प्टी छोड़ रहा हूँ। ठीक है, ये हम बाद में फिल करेंगे आके, क्योंकि ये मुझे पहले से ये पता है, लेकिन अब अगर लिखने जाएंगे तो बीच में रियलाइज़ करेंगे अच्छा ये एक स्टेप था जो मुझे फिल करना था। यहाँ फिलहाल मैं ये कर रहा हूँ 6 का ए रिपीट वाइल, कब तक रिपीट करना है, ए एट आई इज लेस देन पिवट, रिपीट क्या करना है इसको मैं कह देता हूँ स्टेटमेंट नंबर 1। आई इज इक्वल्स टू आई प्लस 1। अब ये तब तक चलता रहेगा जब तक आई की वैल्यू पिवट से छोटी है, जब ये आई की वैल्यू पिवट से छोटी ना रहे तो उसके बाद मुझे अब जे को मूव करवाना है। जे के लिए मेरे पास कंडीशन क्या थी, रिपीट वाइल ए जे इज ग्रेटर देन और इक्वल टू पिवट, जब ये कंडीशन ट्रू हो तो जे इज इक्वल्स टू जे प्लस जे माइनस 1। ठीक है, जब जे भी हॉल्ट हो जाएगा तो क्या करेंगे हम, आई भी हॉल्ट हो गया जे भी हॉल्ट हो गया, यहां पे हमने कहा था दो दो चीजें होती हैं, क्या आई जे एक दूसरे का क्रॉस कर चुके हैं, पहले हम ये चेक करते हैं, और अगर ये ऐसा नहीं हुआ तो फिर हम क्या करेंगे, उसके बाद हम जे जे आई और आई एथ और जे एथ वैल्यू को स्वैप करवा लेंगे। ठीक है, तो
वो कंडीशन जो पहले चेक करनी है वो तो उस पर तो हम आएंगे। पहले हम ये काम कर लेते हैं कि स्टेप सी इफ जे इज ग्रेटर देन आई, इसका मतलब है कि अभी जे और आई एक दूसरे से दूर है, क्रॉस नहीं किया आई ने जे को। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाए तो क्या करना है हमें, देन डू वॉट, स्वैप ए आई कॉमा ए जे। अच्छा ये काम मैंने करवा तो लिया स्वैप वाला, लेकिन एक चीज इसमें केटर नहीं हो रही भाई। ये काम तब तक चलना है जब तक आई जे को क्रॉस नहीं कर लेता, यानी ये लूप जो चल रहा है ना ये भी कंटिन्यूअसली चलेंगे बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ आई एंड जे। तो मुझे यहाँ पे एक आउटर लूप लगाना है, आई से रिपीट, ये आउटर लूप है, वाइल आई इज लेस देन जे, जब तक आई की वैल्यू जे से छोटी है ये काम करते रहो, ठीक है। तो इसका मतलब अब आउटर लूप क्या चीज इंश्योर कर रहा है कि ये स्टेप्स ए बी सी तब तक चलते रहेंगे जब तक आई जे को क्रॉस नहीं कर लेता। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था इस आउटर लूप का, जो कि फुलफिल हो गया। अब यहां तक जो हमने काम किया है इसमें क्या, जैसे ये आउटर लूप खत्म होगा तो हमारे पास सिचुएशन क्या रह जाएगी, हमारे पास सिचुएशन कुछ ऐसी होगी कि जो पिवट है, अब इस पिवट को हमें स्वैप करवाना है बस, ठीक है। पिवट अपनी उस पोजीशन पे आ गया जो उसकी डिजायर्ड पोजीशन है, लास्ट पोजीशन पे पिवट पहुंच चुका है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये जब आउटर लूप एंड होगा, आउटर लूप जब एंड होगा, इस आउटर लूप के एंड होते ही मुझे स्टेप ऐड करवाना है विच विल बी स्वैप, क्या चीज, पिवट विद जे पॉइंटर के ऊपर जो वैल्यू उसके साथ। अब मेरे पास एक पास कंप्लीट हुआ, यानी पिवट अपनी उस पोजीशन पे पहुंच गया जहां पे उसको होना था फाइनली अल्टीमेटली। इसके बाद का जो स्टेप है दैट इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। इसके बाद हमें सिर्फ रिकर्शन करनी है, क्योंकि फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन हमें पता है कि फॉर एग्जाम्पल ये 9 है, ये पिवट अपनी पोजीशन पे पहुंच जाएगा, लेट्स जस्ट से इसकी पोजीशन थी 10 11 9, ठीक है, सॉरी 10 11 15 9, तो इस पोजीशन पे 9 पहुंच जाएगा अपनी फाइनली, ठीक है। अब इसके बाद इस यहाँ से लेफ्ट और राइट दो पार्टीशन बनेंगे और दोनों पार्टीशंस पे यही पूरा काम पार्टीशनिंग का, पिवट का, आइट्रेशन का रिपीट होगा रिकर्सिवली। तो इस रिकर्सिव रिपीटेशन के लिए हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 8, हम कहेंगे सेट लेफ्ट लेफ्ट एरे इज इक्वल्स टू, यही यही कॉल करेंगे क्विक सॉर्ट, ठीक है। क्विक सॉर्ट कॉल किया, लेकिन अब मैं एक सब एरे दूंगा बजाय पूरा एरे देने के। और सब एरे कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा और कहाँ तक चलेगा, जे पे तो पिवट मौजूद है, जे से एक इंडेक्स पहले तक, ये हो गया मेरा लेफ्ट। इसी तरह एक मेरा पार्टीशन राइट पे होगा,
और ये कहाँ से कहाँ तक होगा, ये होगा ए जे प्लस वन से लेके ऑल द वे टू एन माइनस वन। रिमेंबर एन माइनस वन, बिकॉज एन के ऊपर हमारे क्या रखा हुआ है, इन्फिनिटी जो हमने ऐड करवाया था, उस इन्फिनिटी को हमें इंक्लूड नहीं करना है यहाँ, ठीक है। नाउ नंबर 10 सेट, अब क्या रह गया, मिड मिड पार्ट। मिड पार्ट क्या, मिड पार्ट में हमारे पास है ही एक एलिमेंट, हमारे पास मिड पार्ट में है ही एक एलिमेंट, और उस एलिमेंट को हमें क्विक सॉर्ट से पास कर रहे ही नहीं है, बिकॉज वो वैसे ही बेस केस है। तो मेरे पास यहाँ एक लेफ्ट पार्ट आ गया, एक राइट पार्ट आ गया, और एक मिडिल पार्ट आ गया। मेरा ये एल्गोरिदम रिटर्न क्या करेगा, मेरा ये स्यूडो कोड क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न मर्ज, बल्कि मैं मर्ज नहीं लिखता, मैं यूनियन की टर्म यूज कर लेता हूं, लेफ्ट यूनियन मिड यूनियन राइट, ठीक है। इन तीनों को मैंने ये लुमोर ना पढ़ दिया कोई, दिस इज यूनियन साइन, और मैंने इस स्यूडो कोड को प्रॉपरली कंपोज किया है, तो वो भी मैं दिखा देता हूँ स्क्रीन पे। तो यहाँ पे आपके पास फाइनली एक सिंगल वेल कंपोज्ड फॉर्म में यही स्यूडो कोड दिखाई दे रहा है, क्विक सॉर्ट ए इनपुट ऑफ साइज एन, या मैंने बेस केस हैंडल किया है, ये सारे पार्ट्स वो हैं जो पार्टीशन के लिए, जब जो लूप से पहले जो हमें रिक्वायर्ड है, कंडीशंस पिवट सेट करना, आई और जी की वैल्यू सेट करना, इन्फिनिटी ऐड करवाना, उसके बाद ये मेरा आउटर लूप चल रहा है, जब तक आई की वैल्यू जे से बड़ी नहीं हो जाती तब तक, और आई एट्रेट करवा रहा हूँ, जे एट्रेट करवा रहा हूँ, ऑल द वे जो हमने अभी डिस्कस किया, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर रीडेबल वे में दिखाई दे रही होंगी, क्योंकि मेरी राइटिंग जो है आई नो बहुत अजीब सी हुई है इसके ऊपर, तो होपफुली टाइम के साथ सही हो जाएगी।